हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज का हमारा टॉपिक है मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिक्स। किन्हीं भी दो मैट्रिक्स की मल्टीप्लिकेशन कैसे की जाती है और मल्टीप्लिकेशन करने के लिए मेरे पास क्या कंडीशन होनी चाहिए। कंडीशन का मतलब, जैसे जब दो मैट्रिक्स की मैं एडिशन करता था तो वहाँ क्या होना चाहिए, उन दोनों का क्या ऑर्डर सेम होना चाहिए और जो आउटपुट आएगी मेरी, यानी कि जो एडिशन करके आएगी उसका ऑर्डर भी क्या आएगा, सेम आएगा। पर मल्टीप्लिकेशन में देखते हैं क्या कंडीशन होती है। मान लीजिए मेरे पास है मैट्रिक्स, एक ए मैट्रिक्स है, ठीक है दोस्तों, जिसका ऑर्डर है ए क्रॉस बी। ठीक है, यहाँ पर ए क्या दर्शा रहा है, मेरा रो को, और बी क्या कॉलम को। ठीक है दोस्तों, इसकी मल्टीप्लाई करनी है मुझे एक बी मैट्रिक्स के साथ जिसका ऑर्डर है सी क्रॉस डी। ठीक है दोस्तों, इसकी मल्टीप्लाई करके एक मैट्रिक्स आएगी मेरे पास। ठीक है, पहले मैं देखूंगा इस मैट्रिक्स की मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल है। दो मैट्रिक्स की मल्टीप्लिकेशन तभी पॉसिबल हो सकती है अगर मेरे पास पहली मैट्रिक्स की नंबर ऑफ कॉलम, पहली मैट्रिक्स में नंबर ऑफ कॉलम कितनी है बी, इज इक्वल टू दूसरी मैट्रिक्स की नंबर ऑफ रो के बराबर हो। दूसरी मैट्रिक्स में नंबर ऑफ रो कितनी है 7। अगर ये कंडीशन मेरी सेटिस्फाई हो रही है तभी इन दो मैट्रिक्स की मल्टीप्लिकेशन क्या है, पॉसिबल है। ठीक है दोस्तों, अब जब इनकी मल्टीप्लिकेशन करूँगा एक नई मैट्रिक्स आएगी, मान लीजिए वो मैट्रिक्स आएगी सी, इसका ऑर्डर क्या होगा, इसका ऑर्डर होगा जो पहली मैट्रिक्स की नंबर ऑफ रो थी और दूसरी मैट्रिक्स की नंबर ऑफ कॉलम। ठीक है दोस्तों, एक एग्जांपल के द्वारा इस चीज़ को समझने की कोशिश करते हैं। मान लीजिए पहले एक सिंपल एग्जांपल लेते हैं, 2 3 4 5। ठीक है दोस्तों, और बी मैट्रिक्स है मेरे पास 3 4 4 2। ठीक है, और मुझे फाइंड आउट करना है ए क्रॉस बी। इस मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या है 2 क्रॉस 2, इस मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या है 2 क्रॉस 2। ठीक है, मुझे फाइंड आउट करना है ए क्रॉस बी। सबसे पहले मैं कंडीशन चेक करूंगा इन दोनों मैट्रिक्स की मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल है, वो कैसे चेक करते हैं। उसको चेक करने के लिए पहली मैट्रिक्स की नंबर ऑफ कॉलम, पहली मैट्रिक्स की नंबर ऑफ कॉलम कितनी है 2, किसके बराबर होनी चाहिए दूसरी मैट्रिक्स की नंबर ऑफ रो के बराबर। दूसरी मैट्रिक्स में नंबर ऑफ रो कितनी है 2, यानी कि ये बराबर है, कंडीशन सेटिस्फाई होगी, यानी कि इन दोनों की मल्टीप्लिकेशन क्या पॉसिबल है। ठीक है दोस्तों, पॉसिबल है, मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल है। जो मल्टीप्लिकेशन करके मेरी मैट्रिक्स आएगी उसका ऑर्डर क्या होगा, उसका ऑर्डर होगा जितनी पहली मैट्रिक्स के अंदर नंबर ऑफ रो है और दूसरी मैट्रिक्स के अंदर नंबर ऑफ कॉलम है, ये उसका क्या आएगा ऑर्डर रहेगा। अब मल्टीप्लिकेशन देखते हैं कैसे करते हैं, आइए देखते हैं। पहले फर्स्ट मैट्रिक्स की रो को सिलेक्ट कर लो, फर्स्ट मैट्रिक्स की रो को सिलेक्ट कर लो और सेकेंड मैट्रिक्स की कॉलम को सिलेक्ट कर लो। ठीक है दोस्तों, पहले मैट्रिक्स की रो को सिलेक्ट करते हैं, इसकी इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करो, 2 को 3 के साथ मल्टीप्लाई करो, बीच में प्लस का साइन, यानी कि पहले रो को कॉलम के साथ जितने ऑपरेशन बन सकते हैं लगाओ, 2 की 3 के साथ प्लस, फिर 3 की 4 के साथ। ठीक है दोस्तों, रो का फर्स्ट कॉलम के साथ ऑपरेशन लग गया मेरा, उसके बाद इसी रो का सेकेंड कॉलम के साथ ऑपरेशन इसके साथ, हाँ जी 2 की 4 के साथ प्लस 3 की 2 के साथ। ठीक है दोस्तों, अब फर्स्ट रो का दोनों कॉलम के साथ ऑपरेशन ख़त्म हो चुका है, उसके बाद किसकी बारी आ गई, सेकेंड रो की। सेम प्रोसीजर, सेकेंड रो की पहले इस कॉलम के साथ प्रोसीजर, फिर इस कॉलम के साथ, पहले इस कॉलम के साथ करते हैं, 4 × 12 प्लस 5 × 20, इसके साथ ख़त्म हो गया ऑपरेशन। अब इसके साथ 4 × 16 प्लस 5 × 10, ठीक है दोस्तों, इसको सोल्व कर लो, वो क्या आ गया मेरा मल्टीप्लिकेशन, 3 × 6 और 4 × 3 = 12, 12 × 6 = 18, 3 × 6 = 4 × 8 14, 4 × 3 = 12 और 5 × 20 32, 5 × 10 और 4 × 16 26, तो ये क्या आ गया मेरा ए क्रॉस बी। ठीक है दोस्तों, आइए एक क्वेश्चन और देखते हैं। जैसे क्वेश्चन आ गया मेरे पास ए इज इक्वल टू 1 2 3, बी आ गया मेरे पास 4 5 6,
फाइंड ए क्रॉस बी। कैसे करेंगे आइए देखते हैं। तो सबसे पहले मैं चेक करूंगा अभी इन दो मैट्रिक्स की मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल है, हो सकती है। उसके लिए क्या चेक करते हैं, इस मैट्रिक्स की नंबर ऑफ कॉलम। पहले मैं इस मैट्रिक्स का ऑर्डर लिख लेता हूँ। इस मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या है, इसमें एक रो है और तीन क्या कॉलम है, एक रो तीन कॉलम। इसका ऑर्डर क्या है, तीन रो और एक कॉलम, ठीक है दोस्तों। उसके बाद इन दोनों मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल कैसे होता है, जब पहली मैट्रिक्स की नंबर ऑफ कॉलम, पहली मैट्रिक्स की नंबर ऑफ कॉलम, इसकी नंबर ऑफ कॉलम कितनी है, तीन, दूसरी मैट्रिक्स की नंबर ऑफ रो के बराबर होती हैं, दूसरी मैट्रिक्स की नंबर ऑफ रो के बराबर होती हैं। हाँ जी ये बराबर है, यानी कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है, यानी कि मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल है। लेकिन जो मल्टीप्लाई करके मैट्रिक्स आएगी उसका ऑर्डर क्या होगा, उसका ऑर्डर क्या होगा, जो पहली मैट्रिक्स की नंबर ऑफ रो है और मल्टीप्लाई दूसरी मैट्रिक्स की नंबर ऑफ कॉलम है, इसका ऑर्डर क्या होगा, वन क्रॉस वन। आइए करते हैं मल्टीप्लाई, मल्टीप्लाई करते हैं वन क्रॉस वन। हाँ जी इस रो का इस कॉलम के साथ मल्टीप्लाई कर दो, सिंपल वन की फोर के साथ मल्टीप्लाई, ठीक है दोस्तों। प्लस बीच में प्लस का साइन, टू की फाइव के साथ बीच में प्लस का साइन, और थ्री की सिक्स के साथ इसको सोल्व कर दो। तो ए क्रॉस बी क्या आ गया मेरा, चार प्लस पाँच और दो, दस प्लस अठारह, हाँ जी क्या आ गया, दस और अठारह अठाई, अठाईस और चार बत्तीस, 32 आ गया। और इसका ऑर्डर क्या है, एक ही एलिमेंट है, 32 एक ही एलिमेंट है सिंगल, तो वन क्रॉस वन, ठीक है दोस्तों। इस तरह से आप मल्टीप्लाई कर सकते हो। एक दो क्वेश्चन और देखते हैं मल्टीप्लिकेशन से रिलेटेड। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, जैसे अगर मैं पूछूं ये दो मैट्रिक्स हैं, इन दोनों मैट्रिक्स की मल्टीप्लिकेशन करनी है, ठीक है दोस्तों। पहले कंडीशन चेक करते हैं मल्टीप्लिकेशन की, यानी कि इनकी मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल है। आइए देखते हैं इस मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या है, टू क्रॉस थ्री, दो रो है तीन कॉलम है। इस मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या है, टू क्रॉस थ्री टू, ठीक है दोस्तों। चेक कैसे करेंगे, पहली मैट्रिक्स की नंबर ऑफ कॉलम, पहली मैट्रिक्स में नंबर ऑफ कॉलम कितनी है, तीन है। दूसरी मैट्रिक्स की नंबर ऑफ रो के बराबर होनी चाहिए, दूसरी मैट्रिक्स में नंबर ऑफ रो कितनी है, दो है। ये बराबर नहीं है, ठीक है दोस्तों, ये बराबर नहीं है। तो इसका मतलब क्या है, इन दोनों मैट्रिक्स की मल्टीप्लिकेशन नहीं हो सकती। तो ये क्वेश्चन क्या है, गलत है, इनकी मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल नहीं है, ठीक है दोस्तों। एक लास्ट क्वेश्चन और देखते हैं मल्टीप्लिकेशन के बेस पे। जैसे इन दो मैट्रिक्स की क्या करनी है, मुझे मल्टीप्लिकेशन करनी है, ठीक है दोस्तों। तो मल्टीप्लिकेशन करने के लिए कंडीशन क्या चेक करते हैं, पहले कंडीशन चेक करते हैं क्या होना चाहिए, पहली मैट्रिक्स की नंबर ऑफ कॉलम, पहली मैट्रिक्स की नंबर ऑफ कॉलम तीन है, दूसरी मैट्रिक्स की नंबर ऑफ रो की क्या होनी चाहिए, बराबर होनी चाहिए। हाँ जी बराबर है, बराबर है, यानी कि इनकी मल्टीप्लिकेशन क्या है, पॉसिबल है। लेकिन जो मल्टीप्लाई करके आएगा मैट्रिक्स आएगी उसका ऑर्डर क्या आएगा, जो पहली मैट्रिक्स की नंबर ऑफ रो है और दूसरी मैट्रिक्स की नंबर ऑफ कॉलम है, तो टू क्रॉस टू आएगा। कर देते हैं मल्टीप्लाई, आइए देखते हैं। तो पहले क्या करना है, पहली मैट्रिक्स की रो को उठाना है, दूसरी मैट्रिक्स की दोनों कॉलमों के साथ मल्टीप्लाई, पहले इसके साथ करेंगे, इसके बाद इसके साथ करेंगे, इसको इसके साथ करते हैं, दो की एक के साथ मल्टीप्लाई, बीच में प्लस का साइन, तीन की जीरो के साथ मल्टीप्लाई, बीच में प्लस का साइन, एक की दो के साथ मल्टीप्लाई, ठीक है दोस्तों। ये तीनों मैंने इन तीनों के साथ मल्टीप्लाई कर दिया। अब इसी रो को इसके साथ मल्टीप्लाई कर दो, दो की दो के साथ मल्टीप्लाई यहाँ लिख देता हूँ मैं, ठीक है दोस्तों। दो की दो के साथ मल्टीप्लाई प्लस इस तीन की दो के साथ मल्टीप्लाई प्लस इस एक की एक के साथ मल्टीप्लाई, ठीक है दोस्तों। अब ये रो इन दोनों कॉलम के साथ ऑपरेशन लगा दिया मैंने, अब इस रो का इसके साथ, आइए देखते हैं, वन की वन के साथ मल्टीप्लाई प्लस जीरो की जीरो के साथ मल्टीप्लाई प्लस और टू की टू के साथ मल्टीप्लाई, ठीक है दोस्तों। उसके बाद इसके साथ, अब इसके साथ लगाना है, वन की टू के साथ टू इंटू वन, जीरो की टू के साथ प्लस और टू की वन के साथ, ठीक है दोस्तों। ऑर्डर क्या है, टू क्रॉस टू, इसको यहाँ पे सोल्व कर लेता हूँ मैं थोड़ा सा। हाँ जी दो एकम दो, यहाँ जीरो आ जाएगा, दो एकम दो, दो और दो क्या हो जाएगा यहाँ पे, चार, दो दूनी चार, चार और एक पाँच, पाँच और छः
11, ठीक है दोस्तों। यहाँ पे एक और चार, पाँच, और यहाँ पे क्या बचा, दो यहाँ पे बचा और दो यहाँ पे बचा, यहाँ पे क्या बच गया, चार। तो इस मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या है, 2×2, ठीक है दोस्तों। इस तरह से आप दो मैट्रिक्स की मल्टीप्लिकेशन कर सकते हैं। आपको कंडीशन पता होनी चाहिए, मैं एक बार बता देता हूँ। पहली मैट्रिक्स की नंबर ऑफ कॉलम दूसरी मैट्रिक्स की नंबर ऑफ रो के बराबर होनी चाहिए, ठीक है दोस्तों। और जो मल्टीप्लाई करके आएगा उस मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या आएगा, जो पहली मैट्रिक्स की नंबर ऑफ रो है और दूसरी मैट्रिक्स की नंबर ऑफ कॉलम है। आई होप आपको समझ आएगा दो मैट्रिक्स की मल्टीप्लिकेशन किस तरह से की जाती है, ठीक। अपनी तरफ से स्टेटमेंट बना के उनकी मल्टीप्लिकेशन कर सकते हैं। जैसे एक मैट्रिक्स बनाई 1, 2, 3, बी मैट्रिक्स बनाई 4, 5, 6, इनकी मल्टीप्लाई करके देखो, पहले चेक करो पॉसिबल है कि नहीं, फिर उसके बाद देखो ऑर्डर क्या आएगा, ठीक है दोस्तों। आई होप आपको समझ आएगा। थैंक यू वेरी मच।